सासाराम में हिंसा के बाद गृह मंत्री का दौरा रद्द कर दिया गया है। सासाराम में धारा 144 लागू होने से दौरे को रद्द किया गया है। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई और ये खबर भी बताई कि किस तरीके से सासाराम के हालात बेहद खराब हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा हिंसा की तस्वीरें सामने आई और उसके बाद जिस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, गृह मंत्री का दौरा यहाँ पर रद्द कर दिया गया है और धारा 144 लागू होने के बाद इस दौरे को रद्द किया गया है। बताया जा रहा है यहाँ पर कि नवादा में गृह मंत्री शाह की रैली जो है वो वहां पर संबोधित जरूर करेंगे, लेकिन सासाराम में चूंकि धारा 144 लागू है, ऐसे में वहां पर गृह मंत्री के दौरे को रद्द कर दिया गया है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से यहां पर हालात खराब हो गए थे, तस्वीरें चिंता पैदा कर देने वाली सामने आई थी। पुलिस अब एक्शन में है, लेकिन रामनवमी के मौके में देश भर से जो तस्वीरें सामने आ रही थी वो हैरान परेशान करने वाली। एक और बड़ी खबर आपके सामने, बिहार के सासाराम और नालंदा में सबसे ज्यादा उपद्रव हुआ है। दोनों जगहों से TV9 भारतवर्ष ग्राउंड जीरो के हालात आप तक लगातार पहुंचा रहा है। हिंसा के बाद सासाराम में पलायन शुरू हो गया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, सासाराम से तस्वीरें ऐसी सामने आ रही है जो बेहद दुखद है। यहाँ पर हिंसा के बाद इस तरीके के हालात है कि लोगों में डर है, लोग खौफजदा है, ऐसे में यहाँ पर पलायन शुरू हो गया है। लोग अपना घर बार समेट कर कुछ इस तरीके से यहाँ से पलायन कर रहे हैं। और ये 31 मार्च की तस्वीरें नालंदा की है जहाँ पर किस तरीके से आगजनी हुई थी और इसके बाद जिंदगी भर की लोगों की कमाई स्वाहा हो गई। उपद्रवियों ने यहां पर जगह जगह आगजनी की, बस में आग लगाई गई, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें आपके सामने हैं। आज TV9 पर शहर शहर साजिश की पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। आपको दिखाएंगे बंगाल को सुलगाने वाले कौन है, हर चेहरा बेनकाब होगा। लेकिन अभी बिहार के सासाराम से इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के सासाराम में हिंसा के बाद लोगों का पलायन शुरू हो गया। सासाराम में घर छोड़कर जा रहे हैं लोग, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आगजनी के बाद कई मोहल्लों में घरों में ताले जड़े हुए साफ तौर पर देखे गए। TV9 भारतवर्ष पर सासाराम की पहली ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने है।